आखिर वो सपना सच हो गया जिसका इंतजार अरसे से विभूति जी और तिवारी जी कर रहे थे। हो गई है भाभियों की अदला बदली और सच हो गए हैं उनके सपने। एक ही बिस्तर पे तिवारी जी और अनिता भाभी आमने सामने हैं और तिवारी जी को तो ये देखकर शर्म आ रही है और विभूति जी का हाल तो इससे भी बुरा है। वो तो अंगूरी भाभी के सामने उनका सैंडल चूम रहे हैं। हाय रे किस्मत ने ये कौन सा खेल खेला है। लगता है ऊपर वाले ने तिवारी जी और विभूति जी दोनों की मुरादें पूरी कर दी हैं। पर ये क्या, यहाँ तो माजरा कुछ और है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाभी जी जो है हमारे बेड पे हमारे साथ है, मतलब और जो बरसों का ख्वाब था कि काश भाभी जी ऐसे हमारे सामने हमारे हमें खुद कहें कि आओ रोमांस करें, तो ये सिचुएशन पहली बार तिवारी की लाइफ में हुई है। तो मतलब उसका जीवन धन्य हो गया है। इस समय वो ये सोच रहा है कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इस उसमें वो पूरा तकिया फाड़ के उसकी रुई उड़ा देता है पूरी। ये सपने हैं दोनों पतियों के, ऐसे ये ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं दोनों हस्बैंड्स, लेकिन ऐसा कुछ रियल लाइफ में होने नहीं वाला है और कभी होगा भी नहीं। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि ये विभू क्यों चप्पल को चूम रहा है, लेकिन शायद उसने सपने में ऐसा कुछ देखा है अंगूरी जी के साथ कि, और मैं जैसे कि हमेशा ओवर रोमांटिक रहती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हारे पास है और तुम किससे लिपटे हुए हो। वो ये है कि आप इतना शर्मा रहे हो तो कम से कम मेरी सैंडल को ही किस कर दो। अच्छा, तो ये ख्याली पुलाव था जिसे तिवारी जी और विभूति जी दोनों एक साथ पका रहे थे। वाह भाई वाह, सपने भी एक साथ देखने लगे हैं तिवारी जी और विभूति जी। लगे रहिए, ये लड्डू हाथ नहीं आने वाला। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।